खंडवा जिले के मूंदी नगर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें सांसद चौहान ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि मांधाता में भाजपा की ओर से उम्मीदवार नारायण पटेल रहेंगे। हमसे बहुत लोगों ने टिकट मांगी, पर हमने सिर्फ उन्हें ही टिकट दिया है। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर हमारे पास आए। मांधाता की जनता ने संकल्प दिलाया कि आने वाले चुनाव में नारायण पटेल को ही जिताना है, फिर से कमल खिलाना है। नारायण पटेल का बिका हुआ नेता जैसे आरोप लगाया जा रहे थे, पर नारायण पटेल ने बात कही कि उन्होंने इस आरोप के बारे में बताया कि मैं कोई बिका हुआ नेता नहीं हूँ। कांग्रेस के पास सिर्फ मेरे खिलाफ दो ही मुद्दे हैं, या तो मुझे बिका हुआ कहेंगे या गद्दार। इनमें इन दो मुद्दों से कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास मेरे खिलाफ मेरे मांधाता क्षेत्र में विकास करना था, इसलिए मैं भाजपा में आया हूँ। कमलनाथ सरकार को कई मर्तबा मैंने मांधाता क्षेत्र की स्थिति बताई, पर उन्होंने कई वादे किए और वादों को तोड़ दिया। जब मैंने देखा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है और मांधाता की जनता, जिनसे मैंने वादा किया था कि हर समस्या से आपको बाहर निकालूंगा, कमलनाथ सरकार ने मेरे हर बार सिर्फ धोखा ही दिया है। और आने वाले चुनाव में अगर मांधाता जनता मेरे साथ है तो फिर से चुनाव लड़ूंगा और अपने मांधाता को एक विकास की ओर ले जाऊंगा। मूंदी से शाहरुख मंसूर की रिपोर्ट। कांग्रेस लगातार हमले कर रही है, बिका हुआ नेता बता रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास, मैंने अभी कहा, घायल साहब की तरह है। उनके पास केवल मेरे खिलाफ में दो मुद्दे हैं, और वो दो मुद्दे कर लेकर मेरे से मतलब नहीं, 27 जगह 25 जगह इन्हीं मुद्दों के लेकर जाएगी। एक तो है बिकाऊलाल और दूसरा कहेंगे गद्दार। मैं मेरे जीवन में आज यहाँ पे बैठकर चैलेंज करता हूँ कि 1995 से ये 2020 तक चल रहा है, कई पदों पे रहा मैं, 10 साल जनपद में रहा, 5 साल जिला पंचायत में रहा, और एक भी व्यक्ति मेरे पे दाग लगा दे, जिस प्रकार हमारे आदरणीय सांसद जी की पाक छवि है, मेरे प्रति 25 साल के कार्यकाल में कोई व्यक्ति, कोई कांग्रेस अगर दाग लगा दे कि न कोई कुएं के पीछे, कोई सचिव के पीछे, कोई सरपंच के पीछे किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया हो, और मैं दावे से कहता हूँ, मैं भी इतना बड़ा 25 साल के कार्यकाल में जीवन में ऐसा नहीं करूँगा कि मेरी जनता को बेचूँगा। हाँ, जनता को बेचा इसलिए कि क्षेत्र के विकास के लिए हमारे आदरणीय सांसद जी के माध्यम से अब कितने करोड़ लाते हैं उसके लिए मैं बिकाऊँ, काम के लिए मैं बिकाऊँ। बाकी वो कह रहे हैं गद्दार, गद्दार तो अपने आप में जो अपने वचन पे पूरा न उतरे, अपने काम के प्रति वफादार न हो, उसको बोलते हैं। मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने तो एक जनता का हित के लिए अपना पद त्यागा है। आज एक पंच का सर, पंचायत का पंच भी छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने विकास के लिए पद त्यागा हूँ। मेरी कांग्रेस के प्रति कोई खिलाफ शिकायत नहीं है, वो उनका काम करें, मैं अपना काम करूं, मेरी कोई शिकायत नहीं है। रहा वो बिकाऊलाल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, उसका पूरा जवाब मेरी मांधाता की जनता मैं ब्याज के देगी। ये देख लेना, आज मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, इसका पूरा जवाब मेरी जनता ब्याज सहित देगी। आज मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, मेरी जनता का अपमान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपमान कर रहे हैं पूरा। सामने अरुण यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्या मानते हैं आप, किस तरह होगा मुकाबला अगर अरुण यादव आपके सामने चुनाव लड़े? देखिए, मैं तो जो संगठन कहेगा उससे पीछे नहीं हटूंगा। अब रास्ते अलग अलग हो गए हैं, संबंध अलग है और राजनीति सोच और रास्ते अलग है। मैं अपने रास्ते पे चलूंगा, उनका रास्ता वो चुने, मेरा रास्ता मैं चुने। कितने वोटों से हारोगे आप? ये इतने वोटों से शिकस्त देंगे? मैं कोई चैलेंज नहीं करता, वो चैलेंज हमारे आदरणीय सांसद जी और मेरी जनता करेगी, मैं कोई चैलेंज नहीं करता।
आपके नाम पर जो लगातार इतने एक अनार सौ बीमार की स्थिति थी भाजपा में, लेकिन आपके नाम की हरी झंडी मिल गई है, तो कितना कितना मेहनत करना पड़ेगा अभी से मैदान में? कब से उतरेंगे आप? वो तो आज से बिल्कुल बज गया, आदरणीय सांसद जी ने बिल्कुल बजा दिया है, आप परिणाम देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड ने यह निर्णय कर लिया है, कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देकर, विधानसभा से इस्तीफा देकर हमारे मानदाता के लोकप्रिय नेता नारायण पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आने वाला विधानसभा का उपचुनाव श्री नारायण पटेल ही लड़ेंगे, ये भाजपा हाई कमांड ने कहा है। केंद्रीय नेता में भी ऐसे होगा क्या? निश्चित रूप से। जो पहले से इतने दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं उनका क्या होगा फिर? वो जो सपने मेहनत करेंगे, हम तो मेहनती लोग हैं भाजपा वाले, हमारा लक्ष्य है कमल खिले, भाजपा का विस्तार हो, भाजपा फले फूले, भाजपा आगे बढ़े, अच्छे लोग भाजपा में आए तो उनको भाजपा में शामिल करें, इसी पे भाजपा आगे बढ़े। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, अपने पार्टी को त्याग दिया, उतरा दिया, भाजपा का दामन थामा, इसलिए हाईकमान ने तय किया उन्हीं को हम विधानसभा का। नारायण भाई के जो वादे थे जनता से वो कैसे पूरे होंगे? 15 साल में किए थे अभी नारायण भाई ने 15 महीने में कुछ वादे किए थे। 15 महीने में नारायण पटेल जी ने अपने क्षेत्र में जो विकास के वादे किए वो एक भी काम उस समय के मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने नहीं की, और उससे दुखी होकर कि 15 महीने का समय भी अभी तक कोई काम ही मंजूर नहीं। संत सिद्धा महाराज की समाधि स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का 20,000 लोगों में यहाँ वचन दिया, अभी तक कुछ नहीं। कर्ज माफी से लेकर कन्या युद्धा योजना के पैसों से लेकर सब मामले में जनता दुखी थी, और वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता है, और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि अब मेरा शेष काम भारतीय जनता पार्टी के साथ में विकास के लिए खड़ा होगा। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आए, हाईकमान ने कहा कि हम इस पे चुनाव होंगे कि और भी लोग हैं वेटिंग में भी आने के लिए। अब ये तो हाईकमान जाने, मैं तो यहाँ का सांसद हूँ, इस संबंध में मैं कुछ नहीं। आपने कन्या योजना की बात, चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए कोई भी लड़ रहे, यहाँ चुनाव भाजपा लड़ेगी, एक एक कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ेगा, नारायण भाई अकेले नहीं है, इनकी ताकत भाजपा के वो हजारों कार्यकर्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।